मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोली भगवान विष्णु की, माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। भागवत महापुराण जो है यह साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर का विग्रह है और इसमें भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है, अनेकों चरित्र हैं। अब हम लोग भगवान की लीला अवतार, जो भगवान की लीला है, वास्तव में ये पूरा जो संसार है ये भगवान की लीला, भगवान के चरित्र ही हैं। और वहाँ पर अब उस समय की ये बात है जब जो हिराक्ष था वह पृथ्वी को चुरा करके जो रसातल है वहां लेके चला गया पृथ्वी मैया को, और उसका अत्याचार बहुत ही अधिक बढ़ गया था। और चूंकि तप या जो पूरी सृष्टि है वो तप के अधीन है, जो भी व्यक्ति तपस्या यानी कर्म करेगा उसका परिणाम उसको मिलेगा, फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मणे वा शुभाशुभम, अवश्य ही सबको भोग करना पड़ेगा जो भी जैसा शुभ और अशुभ कर्म करेगा। अब शुभ और अशुभ क्या है? शुभ से शीघ्रम, शुभ काम जल्दी करना चाहिए। शुभ कर्म है क्या? जिस कर्म से स्वयं, समाज और राष्ट्र सबका भला हो वह काम शुभ है। अशुभ क्या है? अशुभ कर्म वह है जो केवल अपने लिए किया जाए, स्वार्थपरता के लिए किया जाए, वह अशुभ कर्म है। तो जो शुभ काम किया जाता है, धीर वीर उदार चरिता नाम तु बसुभ कुंड कुटुम्बकम, धीरता के साथ, सहनशीलता के साथ पूरी पृथ्वी के पॉजिटिवनेस के लिए, सकारात्मक वृद्धि के लिए किया जाता है, वह शुभ काम है। क्योंकि शुभ रुव शुभ शुभ रुव शुभ कर्म अनुहारी इस दे फल हृदय विचारी, शुभ रुव शुभ शुभ रुव शुभ कर्म अनुहारी, शुभ रुव शुभ कर्म अनुहारी इस दे फल हृदय विचारी, इस दे फल हृदय विचारी। जो भी आप कर्म करेंगे शुभ और अशुभ उसका परिणाम आपको मिलना ही है, लेकिन आप क्या है, आपको करना क्या है, अधिकार क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका केवल कर्म पर अधिकार है, फल की प्राप्ति पर नहीं। क्योंकि फल की प्राप्ति कैसे होगी, आप उसके योग्य हैं कि नहीं, आपके अंदर वह गुण है कि नहीं, आप उसका दुरुपयोग कर लेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें नहीं पता है। इसलिए भगवान आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग जो व्यक्ति, मायावी व्यक्ति हैं इस संसार के, इसमें इतना ज्ञान नहीं होता कि हम सब कुछ समझ सकें, जितना ही जानते हैं उतना ही कम है। तो इसलिए भगवान हृदय में विचार करके उसका फल देते हैं। और सृष्टि में ऐसा अनेक बार हुआ है जब भगवान आप पर या कभी भी अकहित की कृपा कर दिए, तो अगर सकारात्मकता की वृद्धि हुई गुरु के परिवेश में तब तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिला। लेकिन अगर गुरु के परिवेश से, कथा के संसर्ग से वो दूर रहा तो बहुत हानि कर रहा, जैसे हिराक्ष ने किया। तब करके तो उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, इतना शक्तिशाली हो गया कि त्राय त्राय बचाने लगा और पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तो जब पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया, पाताल लोक में चला गया, तो
पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने शूकर का रूप धर के शूकर रूप धारण किया और उन्होंने क्या किया, यत्रो तथा शिथिलोक ध्वरार विव्रत कौणीं तनुं सकलं यज्ञवीवन्तः अंतरे महारणाव उपायं यादिम आदि दैत्यम तदृष्टम याद्रि में बद्रधरो ददारः। तो वहां पर जब पारब्रह्म परमेश्वर गए तो उनसे भीषण युद्ध हुआ और पुनः वो पृथ्वी को ला करके स्थापित किए जल के ऊपर। और यह वैसे ही भगवान ने किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पर काट दिए थे और पर्वत का जो चलायमान स्थिति थी, पर्वत पहले उड़ते थे चलते थे लेकिन वज्र से जब इंद्र ने उनके पंखों को काट दिया तो धरती पर धड़ाम से गिरे। तो ऐसे ही भगवान कृपा किए पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी को जल की सतह पर लाकर रखे। जातो रुचिरे रजनयत सुइमान सुयज्ञयाकुत सुनूरदायम दक्षिणाम लोकत्रस्यमातीरम यदायति स्वयंभून मनुनः। अब जो भगवान है वे यज्ञ भगवान के रूप में जन्म लिए, आकुति के गर्भ से, और यहाँ उनके जो पुत्र हुए उन पुत्रों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और सारे संसार में शिष्टाचार सदाचार चरित्रता सुव्यवस्था स्थापित की। और इसीलिए हमारे जो पारब्रह्म परमेश्वर हैं उनका एक नाम हरि भी पड़ा, यानी उन्होंने सारे संसार का कष्ट हर लिया तब उन्हें उनका एक नाम हरि मिला और स्वयं भू मन ने उस मनवंतर के जो स्वामी थे उन्होंने उनका नाम हरि रखा क्योंकि उन्होंने सारे संसार के पापों को हर लिया। तो ऐसे हमारे पारब्रह्म परमेश्वर जो कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के रक्षक हैं और उनकी सेवा उनकी सुश्रुता जो सेवा सुश्रुता है उन सब में हमको कोई कमी नहीं रखना चाहिए, उनकी अर्चना और वंदन हमेशा हमको करना चाहिए क्योंकि उनकी लीला का हम पार नहीं पा सकते। तेरी लीला का पाया कोई पार, तेरी लीला का पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने, यमुना जी अरु वृंदावन को, यमुना जी अरु वृंदावन को, दिया है तूने तार, की लीला तेरी तू ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तो भगवान की जो महिमा है लीला है इसका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे ही हमारे पारब्रह्म परमेश्वर ने अनेक लीलाएं अनेक अवतार लिए जो कि पृथ्वी के भार को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया। ऐसे ही पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का जीवन धार्मिक बनाए और हम लोगों का मन कथा में लगे, हरि कीर्तन आजीवन मिलता रहे जब तक हमारे प्राण पखेरु उड़ ना जाए। इसी के साथ हम लोग पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जय जय श्री कृष्ण राधा की, जय जय श्री श्याम श्यामा की, भागवत महाप्राण की, गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज की आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम।